राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में ईद और अक्षय तृतीया के पर्व से ठीक पहले सोमवार रात को दो समुदायों के लोग आमने सामने हो गए। बात जालोरी गेट चौराहे पर बालमुकुंद बिस्सा सर्कल पर लगे भगवा ध्वज को उतार फेंकने की और उसकी जगह मुसलमानों का झंडा फहराने से शुरू हुई। बात बिगड़ी तो जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पत्थरबाजी में कई लोग चोटिल हुए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बीच बचाव कर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन भीड़ बेकाबू हुई तो इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन भीड़ को खदेड़ने में लगी पुलिस पर भी मुसलमानों की ओर से पथराव किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। उधर घटना का कवरेज करने वाले मीडियाकर्मी पुलिस के गुस्से का शिकार बने। पुलिसकर्मियों ने चार मीडियाकर्मी को साथ मारपीट की। फिलहाल पूरे शहर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। जिला प्रशासन ने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। रात 1 बजे से जोधपुर में सभी इंटरनेट सेवाएं ठप रहेंगी। जोधपुर के संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी आदेश में पूरे जोधपुर में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। यह पूरा मामला जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे से शुरू हुआ। यहां स्थित बालमुकुंद बिस्सा सर्कल पर लगा भगवा ध्वज को उतारकर मुसलमानों ने अपना हरा ध्वज लगा दिया था। इस बात पर कुछ लोगों ने एतराज किया। इस पर कहां सुनी हुई और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान ईद की नमाज की तैयारी को लेकर मुसलमानों ने पूरे इलाके पर चौराहों पर लाउडस्पीकर और हरा झंडा फहराया, लेकिन इसके बाद जमा हुई भीड़ ने लाउडस्पीकर हटा दिए। फिलहाल दोनों पक्षों को पुलिस ने अलग अलग किया है और मौके पर भारी पुलिस जब्ता तैनात कर दिया गया है।